गर्मी की शुरुआत होते ही बाजारों में आपको ठंडक दिलाने के लिए कई चीजों की भरमार लग जाती है, चाहे वो फ्रिज हो या फिर एसी पंखे। लेकिन बात अगर ठंडे पानी की करें तो बाजार में गर्मियों के दिनों में मिट्टी से बने मटके भी खूब बिक रहे हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही मिट्टी के घड़ों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसे बनाने वाले कारीगरों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिल रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे घड़ों के डिजाइन भी बदलते जा रहे हैं। बाजार में इन दिनों कई अलग अलग तरह के घड़े देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर जानकारों की माने तो घड़े का पानी पीने से ठंडक मिलती है और प्यास भी बुझती है, साथ ही कई बीमारियों से निजात भी मिलती है। एक इसमें जल्दी सी बीमारी नहीं होगी कोई, मिट्टी का पानी में शुद्ध रहता है और फ्रिज के पानी से तबीयत भी खराब हो जाती है। हम यहाँ पे मटके खरीदने आते हैं और हम मटकों का पानी पीते हैं। ये पानी शुद्ध पानी होता है और हम गांववासी जो हमारे ये प्रजापत भाई हैं जो मटके बनाते हैं, इनका पूरा गांव वाले सहयोग करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि ये मैदान गली गाँव में मटके बनाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में पीने का पानी लगातार दूषित होता जा रहा है उसे देखकर ये घड़े किसी वरदान से कम नहीं है। एक तरफ जहां दुनिया बढ़ रही है और बदल भी रही है, जहां लोग फ्रिज और एसी के दौर में जी रहे हैं, ऐसे में उन लोगों को निराशा झेलनी पड़ रही थी जो कि इन मिट्टी के घड़ों को बनाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से इन घड़ों को बनाने वाले चेहरों पर खुशियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब वो दौर फिर से वापस आ रहा है जब लोग घड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। और फिलहाल तपती गर्मी में हर किसी को ठंडा पानी दिलाने के लिए प्रजापति समाज अभी भी मिट्टी के घड़ों को बना रहा है ताकि लोग इसका फायदा उठाएं और गर्मियों में ठंडा पानी पी सकें। संवाद 365 के लिए दिल्ली से दीप सिलोड़ी की रिपोर्ट।